तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें डिफ्रैक्शन के अंदर, ये हमने किया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज अ सिंगल स्लिट, तो इसके अंदर हमने पी पॉइंट पर कब मैक्सिमा और कब मिनिमा इसकी कंडीशन बनाई। लिखना कैसे आपको पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मैं बता रहा था कि आप प्लीज़ एक बार जरा नाम को ध्यान से समझना कि सेकेंडरी प्राइमरी सेंट्रल ये आपको तंग कर सकते हैं, एक ही बारी में समझ लें। डिफ्रैक्शन के अंदर जो सेंटर का पॉइंट होता है ओ, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा, डन क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा और जो पॉइंट्स आएंगे वो मैक्सिमा या मिनिमा के आएंगे, उन सब के आगे लिखा होगा सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा। प्राइमरी पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करता है? सेंटर। इसके अलावा जो भी मैक्सिमा जो भी मिनिमा उसके आगे हमेशा क्या लगा होगा? सेकेंडरी। बस बात समझ में आ गई यहां तक। प्राइमरी या सेंट्रल एक ही चीज ऑक्यूपाई करेगा, सेंटर, इसके अलावा सब सेकेंडरी। करें स्टार्ट। तो हमने किसकी विड्थ निकालनी है सेकेंडरी, या हमने किसकी कंडीशन लिखनी है सॉरी, या पोजीशन निकालनी है सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि सेंट्रल पर तो मैक्सिमा होना ही होना है, इसकी तो कंडीशन डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि पार्ट डिफरेंस जीरो है। तो अगर मुझे पोजीशन या कंडीशन लिखनी है किसकी, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा का मतलब सेंटर के अलावा और कहाँ मिनिमा, तो यानी कि पी पॉइंट पर, तो उसके लिए आपने ये लिखना है कि पाथ डिफरेंस पी पॉइंट पर क्या होगा, ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा के इक्वल है तो होल स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स विद द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू एंड दे विल कैंसिल ईच अदर। तो लिखा हुआ है फॉर एवरी पॉइंट इन अपर हाफ देर इज अ पॉइंट इन अ लोअर हाफ जो आपस में कैंसिल करेगा और वो पॉइंट क्या आएगा, मिनिमा। उसी तरीके से अगर पाथ डिफरेंस टू लैम्डा तो पूरा इस स्लिट के लाइट को डिवाइड किया जाएगा चार इक्वल हाफ्स में, लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू का पार्ट डिफरेंस, अगेन पॉइंट मिनिमा। तो कंडीशन मिनिमा की क्या बनेगी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको बॉक्स में डालने, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा। और ऐसे ही अगर मुझे क्या करना है इसमें, ये कुछ नहीं करना आपको, सीधा यहां पर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अगर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि दो मैक्सिमा है, एक तो प्राइमरी यानी कि सेंट्रल, सेंट्रल के अलावा और कौन से मैक्सिमा है, सेकेंडरी। तो ऐसा कब होगा, अगर ये पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 या फिर कितना 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा, इसको बॉक्स में डाल दो। तो a sin थीटा 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2, तो ये कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन समझ में आ रही है कि क्या कंडीशन है इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, इसके बेस पे आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा।